अपने आत्माओं, हम फिर उसी प्रसंग पर आते हैं कि वो भी लाभ उनको होते हैं जो एक, जैसे किसी ने किसी व्यक्ति के कहने से या देखम देखा कहीं पर तीर्थ पर जाकर भंडारा कर दिया, कहीं पर कंबल बांट दिए, पक्षियों को दाने डाल दिए, कुत्तों को रोटी डाल दी, कोई प्याऊ बनवा दी, कोई धर्मशाला बनवा दी, कोई कुआ बनवा दिया। अब परमात्मा कहते हैं जैसे धर्मशाला है, कुएं हैं, कुत्तों को रोटी डालना, पक्षियों को रोटी डालना, ये बहुत अच्छी बात है, यह तो उपदेशी को भी चाहिए, अगर ऐसा वो कर सकता है तो कर सकता है। लेकिन मंदिर वगैरह में कहीं दान नहीं देना, मंदिर वगैरह नहीं हमने बनाने, क्योंकि हमने अपने मन मंदिर में पूजा करनी है उस परम पिता परमात्मा की, या अन्य किसी गुरुद्वारे में, मस्जिद में, चर्च के बनाने में हमें कोई सहयोग नहीं देना, क्योंकि हमने उन्हीं क्रियाओं पर अपना पैसा लगाना है जिससे हमें प्रभु मिले, और जो आदेश दास का हो, वो आदेश दास का क्या होगा, जो परमात्मा का विधान होगा उसी तरह करना। और हमारे लिए कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ये अनादरणीय नहीं है, लेकिन उनमें केवल वो महान आत्माओं की, महापुरुषों की मूर्तियां रखी हैं, उन मूर्तियों से, या वहाँ जैसे गुरु ग्रंथ साहिब रखा है, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखे वर्णन के आधार से हमने क्रियाएं करने से मोक्ष होगा, केवल किसी गुरुद्वारे के अंदर और गुरु ग्रंथ साहिब को रखकर ही उसका आदर सत्कार करते रहने मात्र से नहीं, आदर सत्कार तो सबका करना। जैसे मूर्ति है, एक सेब की मूर्ति है, सेब की मूर्ति तो प्रेरणा करती है कि ये सेब है, इतना बढ़िया होता है, इसके खाने से क्या लाभ होता है, लेकिन वो पत्थर की मूर्ति सेब वाला काम नहीं करती, वह मूर्ति ज़रूर है उस पत्थर उसकी, वो अनादरणीय नहीं है, लेकिन वो मूर्ति सेब वाला काम नहीं कर सकती। जिन भगवानों की तुम मूर्ति बनाए रखे बैठे हो, वो मूर्ति वो काम नहीं कर सकती जो भगवान करेंगे, और उन भगवानों से लाभ लेने के लिए उनकी प्राप्ति के मंत्र भी इस दास के पास है, जो सबसे पहले वही दिए जाते हैं जिससे वो आपको कुछ लाभ दे सकेंगे। तो इस कारण से उन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में परमात्मा की खोज में नहीं जाना, ये मनाही है। अब क्या आ गया प्रश्न आता है कि जैसे ये भी धर्म करते हैं, गुरु बना नहीं रखे, और बना रखे हैं तो नकली बना रखे हैं, उनसे कोई लाभ नहीं होगा, और फिर उनसे भी लाभ होता है कैसे, और फिर ये भी कहते हैं कि जैसे कर्म करोगे फल तो मिलेगा ही मिलेगा, अवश्य मिलेगा। जैसे आप देखते हो एक कुत्ता बैठा है गाड़ी में, एक कुत्ता गाड़ी में बैठा है, मनुष्य उसका ड्राइवर है, और वो बैठा पिछली सीट पे और खिड़की में गन्नो मुंह काट के देख रहा है ना सैर सपट्टे से खूब। अब उस कुत्ते के रहने का एक अलग से रूम, उस रूम में एसी लगे होते आजकल, और महीने में एक बार दो बार जो है ना वेटरनरी सर्जन उसकी जांच करने आता है डॉक्टर, और सुंदर शोधित उसको जल और शोधित उसको आहार मिलता है, और उसका रहता कोठी में, और ड्राइवर उसका मनुष्य है आज के दिन। तो उस पुण्यात्मा ने कभी मनमुखी ये दान धर्म किए थे, उन दान धर्मों का फल उसको कुत्ते की योनि में मिल गया। यदि वो मर्यादावत करता, परम संत की शरण लेकर करता, किसी कारण से मोक्ष प्राप्ति ना होती, यहाँ भी रह जाता, तो उसको वो सुख मिलते जो उसने कुत्ते की योनि में मिले, उसको मनुष्य जीवन में मिलते वो सुख सारे मिलते किए हुए, और फिर मनुष्य योनि में कभी ना कभी कोई संत भी मिल जाता। अब उसने जैसे जिसने मनमुखी दान किए, धर्म किए, कुत्ते की योनि प्राप्त कर ली, एक मनुष्य को सुविधा नहीं आज के दिन, ऐसे उन कुत्तों को सुविधाएं हैं, तो उसने सारा पुण्य अपना कुत्ते की योनि में खत्म किया, फिर बन गया सुअर। अब कौन उसने गद्दा पे बैठा होगा, अब कहाँ से लाएगा वो सुविधाएं। तो इस प्रकार ये जो किया हुआ कर्म तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो गुरु के बिना दान करते हैं वो इसलिए यूजलेस है, उसने तो जीवन नाश कर लिया। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे,
पूछो वेद पुराण।